सुप्रभात क्लास 12। आप लोगों का देखिए पाठ्यक्रम कटौती के बाद जितना पढ़ना था वो पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है, मध्य से पूर्ण हो चुका है और मध्य में फिराक गोरखपुरी की ये रुबाइयां पढ़ना। और उस क्रम में जब मैंने बताया आपको पोर्शन जो दिया उससे तुलसीदास की कवितावली के जो प्रसंग है उत्तरकांड के वो और ये रुबाइयां गजल तो फिराक गोरखपुरी यानी कि तुलसीदास और फिराक गोरखपुरी पद से ये दो आपके अभी के पाठ्यक्रम में है PT 2 के लिए। इसमें देखिए जो इन्होंने अपनी रुबाइयों में लिखा है फिराक गोरखपुरी यानी गोरखपुर से है उत्तर प्रदेश से, तो उन्होंने माँ और बच्ची के प्रेम का चित्रण किया है। और ये सामान्य रूप से यदि सोचे तो माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है वो शायद दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम होता है। इस प्रेम की तुलना किसी भी दूसरे प्रेम से की नहीं जा सकती और यही कारण है कि जब रस में प्रेम की अनुभूति की बात आई तो 9 रस हम लोग पढ़ते थे उसमें श्रृंगार रस में संयोग और वियोग का चित्रण होता था, लेकिन अब उस रस से वात्सल्य को अलग ही कर दिया गया। भक्ति और वात्सल्य अलग से पढ़ते हैं, उसका अस्थायी भाव भी वात्सल्य और भक्ति है यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और बच्चे के प्रति प्रेम। अर्थात बच्चे के प्रति जो माँ का प्रेम होता है वो एक निश्चल निस्वार्थ प्रेम होता है। इस प्रेम में एक माँ ही दुनिया का ऐसा रिश्ता है जो आपकी उन्नति में प्रसन्न होती है और आपके दुख में दुखी होती है। माता और पिता के अलावे जितने भी रिश्ते हैं कहीं ना कहीं वो आपकी उन्नति से दूसरे को ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन उसकी बहुत अधिक परवाह नहीं करनी चाहिए। संयोग बस उसी गोरखपुर का क्षेत्र मेरा भी है तो उसमें भोजपुरी में लोग कहते हैं कि लोग तब फलते हैं जब ईर्ष्या करने वाले उसको देख के चलते। अर्थात उन्नति जो है वो हमेशा ईर्ष्या का कारण बनती है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। भोजपुरी में ही एक आशीर्वाद भी है कि आपसे ईर्ष्या करने की स्थिति बने लेकिन आप पर दया दिखाने की स्थिति न बने, क्योंकि जब आपने बहुत अच्छा अगर कुछ कर लिया तो ईर्ष्या करने वाले मिलेंगे लेकिन उससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो ईश्वर आपको उस स्थिति में हमेशा रखे कि लोग आपकी स्थिति को देख के अनुभव करें कि हाँ आप मजबूत स्थिति में हैं। उस समय शायद आपके प्रति कोई दया ना दिखाए लेकिन ईश्वर करे किसी के भी साथ दया दिखाने की करुणा दिखाने की स्थिति ईश्वर पैदा ना करे। तो यहाँ पे वो एक माँ और बच्चे के प्रसंग को चित्रित करते हुए इस रुबाइयों में डालने का प्रयत्न किए हैं। पहला ही शब्द देखिए, पहला भी ये शब्द है जैसे लोक भाषा का शब्द है लोकाव्य। लोकादना एक शब्द है जो कि प्रयोग करते हैं लोग उस क्षेत्र के लोग, पूर्वांचल का इलाका है, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उधर की हिंदी अलग है और ये गोरखपुर से इधर का जो इलाका है बिहार से सटा हुआ ये पूर्वांचल का इलाका है और इसमें लोकादना शब्द सामान्यतः लोग प्रयोग करते हैं। और मैं बता भी दूं कि बच्चों को जब ऊपर फेंक के लोग पकड़ लेते हैं उसी को लोकादना कहते हैं। प्रेम में जो लोग बच्चे को ऊपर फेंकते हैं फिर उसको पकड़ लेते हैं, तो ये लुका देना शब्द जो है वो उसी शब्द से है कि ऊपर उछाल करके और फिर उसको पकड़ लेना, ये क्रिया जो है इसको लुका देना कहते हैं। माँ का वर्णन करते हुए यहां बता रहे हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। माँ ने अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है, तो यहां कवि देखिए उसकी तुलना जो है वो चांद से कर रहे हैं, बच्चे की तुलना जो कर रहे हैं वो चांद से कर रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे कि वो अपने बच्चे को लिए है, कह रही है कि अपने कह रहे हैं कि अपने गोद में चांद के टुकड़े को लिया हुए खड़ी है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी। माँ घर के आंगन में खड़ी होकर के अपने बच्चे को गोद में ली हुई है, मानो वो उसके लिए चांद का टुकड़ा हो और वो उसे झुलाने का प्रयास कर रही हो। रह रहे के हवा में जो लोका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माँ का इस तरह से खिलाना यानी जब बच्चे को वो लोका के और पकड़ लेती है तो इस क्रिया में बच्चा खिलखिला करके हंस देता है और ये क्षण माँ और बच्चे के प्रेम का जो क्षण है इसकी अनुभूति किसी माँ को भी हो सकती है या फिर वो बच्चा जो समय खिलखिलाकर हंस रहा है उन दोनों के प्रेम को जीते हुए
कवि ने यहाँ उस दृश्य को हम लोगों के सामने या हर पाठक के सामने प्रस्तुत करना चाहा है कि ऐसी परिस्थिति यदि आप आंखों के सामने देखिए, साहित्य जो है वो तब तक आनंद नहीं दे सकता जब तक कि आप उसमें डूब के सोचेंगे नहीं। अगर ये दृश्य हम लोगों के आंखों के सामने आ गया कि ऐसा कब होता है, तब उसको देखने में, उसको सुनने में, उसको सोचने में आनंद की अनुभूति होती। दूसरी रुबाई है कि नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों घुटनों में लेकर के माँ पिन्हाती है कपड़े। पिन्हाती है शब्द एकदम पिन्हाती है शब्द उन्होंने प्रयोग किया, यानी माँ ने बच्चे को नहला दिया है, बच्चे के लंबे लंबे बाल हैं, उन बाल को वो संवारने का काम कर रही है, उस बाल को सीखा कर रही है और कपड़े पहनाने के क्रम में माँ ने बच्चे को अपने घुटनों में दबा लिया। माँ बैठ करके अपने बच्चे को घुटने में दबा ली है क्योंकि छोटे बच्चे कपड़ा पहनाने के टाइम, नहलाने के टाइम वही बाल स्वभाव है, वही उसका सौंदर्य है, वो भागते हैं, तो माँ ने जब घुटने में उसको दबा करके कपड़े को पहनाने का प्रयास किया है तो वो माँ के मुख को देख रहा है और इस सौंदर्य को कवि ने वर्णित करने का प्रयास किया है। तीसरी जो रुबाई है, दिवाली की शाम पर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, यानी दिवाली की शाम है, घर में लिपाई पुताई हुई है और उसमें चीनी के खिलौने, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा अभी भी बाजार में मिलते हैं, चीनी के बने हुए हाथी घोड़े, चीनी यानी चीन देश से मत जोड़िएगा, चीनी यानी खाद्य पदार्थ, उससे बने हुए वो हाथी घोड़े वाले खिलौने होते हैं जो बच्चों को बड़े प्रिय होते हैं, ये खिलौने माँ ने दिवाली पर मंगवाए हुए हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर दमक बच्चे के खरौंदे में जलाती है दिए, यानी वो माँ जो है वो दिवाली पर अपने बच्चों के लिए वो मिठाई मंगवा करके और उससे उसने जो खरौंदा बच्चा ने तैयार किया या जो घर में उस बच्चे के खेलने का स्थान है वहां पर वो अपने चेहरे पर एक अलग आभा लिए हुए, एक अलग कांति लिए हुए, एक अलग तेज लिए हुए, एक अलग प्रकाश लिए हुए उस बच्चे के घर में दीप जलाती है, यानी एक माँ और बच्चे की प्रेम का सजीव चित्रण करने का प्रयास इन तीनों रुबाइयों में कवि के द्वारा किया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही, चूंकि खड़ी हिंदी के शब्द हैं उसमें बहुत अधिक समझना नहीं है, कोई अलग से पानी प्राकृत आपको पढ़ना नहीं है, तो वो खड़ी हिंदी के शब्द हैं, आप उसको एक बार यदि अच्छे से पढ़िएगा तो समझ जाइएगा और फिर जहां असुविधा होगी उसे पूछ लीजिएगा। ये आपके PT2 के पाठ्यक्रम में भी है, इसके प्रश्न उत्तर को भी लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।